हमारे पास जो दर्पण होता है दैनिक जीवन में जो दर्पण होता है उसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। जो सामने का हिस्सा समतल होता है और उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर आकृति का बनता है, बराबर आकार का बनता है। लेकिन अगर हमारे पास सतह उभरा हुआ हो, जो परावर्तक सतह सतह उभरा हुआ हो या परावर्तक सतह दबा हुआ हो, यानी एक उत्तल हो या अवतल हो, तो उस समय प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आइए आप लोगों को मैं ले चलता हूँ उत्तल दर्पण की ओर और अवतल दर्पण की ओर। आइए देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो दर्पण है, एक दर्पण इसका सतह जो है दबा हुआ है और एक दर्पण जो है इसका सतह उभरा हुआ है, यानी उत्तल दर्पण है। देखिए इनके सामने मैं खड़ा हूँ तो मेरा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो मेरे से छोटा बन रहा है, मतलब वस्तु से छोटा बन रहा है, सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है मतलब आभासी बन रहा है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तो मेरा जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बन रहा है, यानी यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कौन सा दर्पण है, ये दर्पण है अवतल दर्पण। ये जो सतह है अवतल है, ये जो सतह है उत्तल है, उठा हुआ है ये दबा हुआ है। थैंक यू।